साधना की भूमिका करते पहले एक बात बताना जरूरी है। वर्तमान में हमारा जीवन ज्ञान प्रदान है, अज्ञान प्रदान है कि धन प्रदान है? जल्दी से, वेरी गुड। तो अज्ञान प्रदान जो होते हैं उन्हीं का जीवन धन प्रदान रहता है। एक बार एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों की दोस्ती हो गई। गुजराती में कहवा ने सरखे सरखानी दोस्ती। अंधा और लंगड़े की दोस्ती हो गई, दोनों भीख मांग करके अपना गुजरान कर रहे, पार्टनरशिप में धंधा चल रहा है। तू भीख मांग, मैं भीख मांगू, जो भी मिले अपन दोनों एक करने के बाद आधा आधा कर देने का। कभी मुझे 3 मिलेगी, तब कभी तुझे 5 मिलेगी, 5 × 3 = 8 हो गया। तू भी 4 खा, मैं भी 4 खा। लेकिन पार्टनरशिप में धंधा करते समय एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों ने सोचा कि सब पैसे मेरा, मारा मारी पर आ गए। आसमान में बैठी हुई है परमात्मा को दया, वो तो दया के सागर है। दया के सागर है कि नहीं? आज कितने किलोमीटर का विहार किया? 20 लॉन्ग कट 17 शॉर्ट कट, 18 स्ट्रेट कट, 19, 20, 21, 22 वाले सब लॉन्ग कट। लेकिन कितना भी किया अभी सब आप फ्रेश लगते हैं। कारण क्या? नींद आती है, किसी को नींद आती है तो इतने फ्रेश। सच बताओ, बेंगलोर चेन्नई जमखंडी या पुणे के अंदर आप 12वें मजले पे रहते हो और अचानक लिफ्ट बंद हो जाए और आपको रात को 12 बजे ऊपर घर पे जाना जरूरी है, जब चढ़ते हो चढ़ो कि नहीं चढ़ो? क्या पार्किंग में हो सो जाओ? तेरी बात कर लिया होते, चढ़ना तो पड़ेगा। चढ़ते समय क्या करो? नौकर गिनते हो? समरो मंत्र बोलो के ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, नीचे थी हमने ऊपर लगी जाओ रे प्रभु जी। मैं बताऊं, लिफ्टमैन ने यदि बोल दिया कि आज लिफ्ट बंद है, बिगड़ चुकी है, आप जब चढ़ते हो ना तब क्या करते हो मालूम है? 12वीं मंजिल में रहते हो, गालियां देते हो, बाकी कुछ हराम खोर छे, बदमाश छे, पैसा खावा छे, कोई ने कहीं काम ज करू नहीं, अने हम दारूडियो छे, हम डोलतो डोलतो चढ़े। जिंदगी में एक वक्त 12 माण चढ़वा पड़े तो तमे गाड़ो सिवाय नी बात नहीं करता। અને આજે 20-20 કિલોમીટર પણ કેવા હસતા હસતા ચાલે, કરુણા કા સાગર। દાદા સંખેશ્વર ઓર દાદા નેમિનાથ કા યે પ્રભાવ। તો યે દોનો જબ ઝગડતે થે, મારા મારી બથમ બથ્થી પર આ ગયે તો આસમાન મેં બેઠે હુએ ઈશ્વર ને સોચા યે અચ્છા નહીં હો રહા, પ્રભુ નીચે આયે। બિના વિનંતી हमारे मेहुल भाई तो कितनी बार बोलते हैं ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, प्रभु नहीं आते, प्रभु नहीं आते, क्योंकि हम हमारी जात को 100% कंप्लीट मानते, समझे? जिंदगी में जब आप अपनी जात को अधूरी मानोगे तो पूर्ति करने के लिए परमात्मा जरूर, हम कंप्लीट मानते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क, जल्दी बताइए यशपाल। कंप्लीट और फिनिश, अंकित कहां गया? हाँ बोल। फिनिश तो अत्यारे पूरु ने, कंप्लीट ले पहला पूरु कर। बोल भाई यशपाल, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है ना कि राजस्थान हॉस्पिटल में पढ़ा था? किसी को बोलना है?
डोकरा भी तो जब डरते हैं किससे मुझसे मैंने कहीं पढ़ा था कंप्लीट और फिनिश का बहुत सुंदर अर्थ किया था जब बीबी अच्छी मिल जाए तो लाइफ कंप्लीट नहीं तो फिनिश हो गया समझ गया बंकी अब बराबर प्रभु के सामने कभी अपनी जात लाइफ को जिंदगी को कंप्लीट मत मानो हम अधूरे हैं प्रभु आप संपूर्ण तो दोनों को झगड़ा देख करके भगवान नीचे आ गए और भगवान ने दोनों से पूछा मैंने आपको दर्शन दिया है भगवान के दर्शन कभी खाली नहीं जाते बोलो क्या चाहिए सुनना जरा ध्यान से साधना में तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे लेकिन उसकी भूमिका बनानी जरूरी है।